May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning. Good morning. प्रज्ञा बैठी. Thank you, sir. प्रज्ञा, आप कानपुर से हैं. जी. कानपुर का भारत के राष्ट्रीय संदर्भ में आर्थिक महत्व है, उसके बारे में कुछ बताइए हम लोगों को. सर, कानपुर जो है ब्रिटिशर्स टाइम से लेकर या पहले भी कुछ सेटलमेंट्स रहते थे, आज तक इसका काफ़ी आर्थिक महत्व रहा. अगर हम पहले के टाइम पे देखें तो जो जीटी रोड गुजरती थी वो कानपुर से होकर गुजरती थी. छावनी था, वहाँ पर पहले भी इंडस्ट्रियल एरिया था, आज भी वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है. आज भी वहाँ का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो लेदर इंडस्ट्री है. एक जैसे निकिडा सिटी बनाई जा रही है, प्लास्टिक सिटी वहाँ पर डेवलप की जा रही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है. तो इस तरीके की एक्टिविटीज सर गवर्नमेंट भी हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी आज भी. अब थोड़ा सा सर जैसे अमेज़ॉन की, फ्लिपकार्ट की, इस आईटी सेक्टर भी वहाँ पे बूम कर रहा है. तो सर इसका टर्सरी में है. और चूंकि कानपुर का जो एरिया है उसके आसपास कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से, जैसे कानपुर देहात हो गया, औरैया हो गया, या सर हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, ये सब इलाकों में एग्रीकल्चर भी होता है. तो यहाँ से सेकेंडरी प्रोडक्ट का, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं या फिर बिस्किट फैक्ट्रीज हैं, इस टाइप की सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं सर. प्रज्ञा, बताया अभी अखबारों में आया था कि कानपुर में गिग इकोनॉमी खूब डेवलप कर रहा है. जी, ये गिग इकोनॉमी क्या है? सर बेसिकली गिग इकोनॉमी का मतलब, जैसे इसमें सर प्लेटफॉर्म वर्कर्स काम करते हैं. जैसे सर हम स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हैं तो जो हमें खाना डिलीवर होता है, तो जो उसमें काम करने वाले लोग होते हैं उनका कोई सोशल सिक्योरिटी ऐसा नहीं रहता है. तो उस इस बेसिस पे जो लोग काम करते हैं उसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं सर. तो और क्लियर कीजिए, तो जैसे गिग इकोनॉमी में जो भी एम्प्लॉई काम करते हैं उनका जी, और जो दूसरे वर्कर जिनका अपना ट्रेड यूनियन है, उसमें बेसिक अंतर क्या देखते हैं? सर जैसे दूसरी जगहों पर काम करते हैं तो उनको हेल्थ सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, उनको और भी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ मिलती हैं, उनको हो सकता है रहने के लिए, आने जाने के लिए फैसिलिटी मिले. बट इनके पास सर कोई एक सिक्योरिटी नहीं रहती है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है. उनका कोई एक ऐसा बॉन्ड नहीं होता है, पहले से कुछ ऐसे बता के नहीं रखते. जैसे सर हमारे यहाँ ऐसा कई बार प्रावधान कंपनी एक्ट 1956 और 2013 में किया गया कि अगर आपको अपने तालाबंदी करनी है तो एटलीस्ट आपको सैलरी देना पड़ेगा उनको कुछ समय के लिए. ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रहता है यहाँ. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब पारित हुआ? इंडस्ट्रियल अभी आपने बताया जी, डिस्प्यूट एक्ट सर. सॉरी सर, यानी आप बताना चाह रही हैं कि जो गिग इकोनॉमी में से जुड़े हुए जो मजदूर हैं जी, उनका अपने एम्प्लॉयर के साथ कोई सीधा संबंध नहीं रहता. नहीं होता जी. ठीक है. प्रज्ञा, आपका लोक प्रशासन है जी, बहुत सरल तरीके से बताइए कि लोक प्रशासन सामान्य प्रशासन से अलग कैसे है? सर लोक प्रशासन या सामान्य प्रशासन दोनों का उद्देश्य होता है कि सामूहिक प्रयासों से किया गया ऐसा कार्य जिससे एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हो. सामान्य प्रशासन और लोक प्रशासन सर 1990 के बाद जब LPG रिफॉर्म आया, एक लगभग एक ही हो गया. पहले ज़रूर हम देखते थे अंतर कि निजी प्रशासन अलग था, लोक प्रशासन अलग था. लेकिन आज की डेट में सर जैसे रिलायंस और टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, जो निजी सेक्टर की इतनी बड़ी कंपनी है जिसमें किसी न किसी रूप से सरकार के द्वारा कोई ना कोई हेल्प होती है या शेयर होल्डर्स के रूप में जनता इन्वॉल्व होती है. तो सर अब इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है सोशल वेलफेयर. तो अब सर प्रशासन को हम डिफरेंट ज़्यादा नहीं देख सकते, इसलिए सर मुझे नहीं लगता कि अब कोई खास अंतर है. हाँ, थोड़ा बहुत अंतर इस तरीके से ज़रूर देखा जा सकता है, एक प्राइवेट सेक्टर की अगर हम छोटी कंपनी देखेंगे तो वो एक अंतर दिखाती है. लेकिन आज की डेट में बड़े स्केल में या NGO हो या कोई भी, सर इतना बड़ा अंतर नहीं है. समाज जो सामान्य प्रशासन है जी, उसका समाज कार्य प्रशासन से क्या संबंध है? सामान्य सर सॉरी, तो सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और दूसरा हो गया समाज कार्य प्रशासन, सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन. उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन समाज कार्य प्रशासन जी, तो ये सामान्य प्रशासन से कैसे संबंधित है? ये
सर सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन का जो उद्देश्य है वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य किया जा रहा है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं वो लोग सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हों। ये बताइए कि जो प्रशासन की विशेषता के रूप में वो देखते हैं ना जी, तो समाज में जो जब इसको कहते हैं ना कि प्रशासन की विशेषता के रूप में हम लोग कुछ शब्दावली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा प्रशासन की विशेषता को हम लोग प्रस्तुत करते हैं जी, पढ़ाया अपने लोक प्रशासन जी जी, तो लोक प्रशासन की जो सामान्य विशेषता है जिसमें कि आप उसको पोस्ट कॉर्ब के शब्दावली से प्रस्तुत करते हैं, उसमें एक नया शब्द जोड़ा गया, वो क्या है? सर मैं अगर आप परमिशन दे तो मैं गेस कर दूँ। सर पोस्ट कॉर्प में बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग और रिपोर्टिंग, बजटिंग जैसी चीज़ें हैं, लेकिन मोटिवेशन, लीडरशिप जैसी चीज़ों को नहीं जोड़ा गया था, तो मुझे लगता है शायद सर मोटिवेशन और नहीं, देखिए जैसे कुछ है ना जैसे कम्युनिकेशन जी, तो जिसको आप क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन हिंदी में क्या कहेंगे आप? अंतर्व्यक्तित्व नहीं 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 सिंपल जनरल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि फला कम्युनिकेट करना जी, संचार, संचार जी है ना, तो उसमें संचार को अब खास करके प्रशासन में अब जो टेक्निकल पार्ट है उसका उसको समाहित करने का प्रयास किया। जैसे देखिएगा आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो सामान्य प्रशासन है और जो लोक प्रशासन है उसमें बड़ा अंतर होता है जी, कि जैसे हम एक प्रशासन की कुछ खबरों को हम लोग अगर पहुंचाते हैं तो उसका एक प्रॉपर वे होता है जी, और दूसरे तरीके में हम लोग क्या है अनफॉर्मल वे में बात करते हैं और अपनी बात हम समझा देते हैं। आज के दिन में देखिएगा जो प्रशासन में जो संचार कौशल है उसको एक अहम हिस्सा माना जा रहा है, और कहा जाता है कि संचार जितना त्वरित गति से संचारित होगा प्रशासन की क्षमता उतनी बढ़ेगी। ठीक है, बस ये अंतर है। चलिए बताइए कि जो हमारी नई राष्ट्रपति महोदया है जी, है ना, पता ही होगा आपको किस जनजाति से बिलोंग करती हैं जी, है ना, उस जनजाति का स्थान भारतीय समाज में किस स्थान पर आता है? सर चूंकि चलिए बताते चलिए किस जनजाति से हूँ, संथाल, संथाल से, तो संथाल जनजाति जो है जी, उसका भारतीय जनजातीय समुदाय में अगर हम उनका एक तय करें कि किस जनजाति की संख्या ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी उससे कम है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? सर ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ओवरऑल जनजाति भारत की जनसंख्या का 8.86% है। इनका स्थान कितना है, संथाल किस स्थान पर आता है, किस रैंक पर? सर सॉरी डेटा नहीं। ये जो राष्ट्रपति महोदया हैं है ना, ये दूसरी राष्ट्रपति हैं महिला राष्ट्रपति के रूप में देखा जाए जी। दोनों महिला राष्ट्रपति में कोई अंतर बता सकती हैं आप? सर जो पहली महिला राष्ट्रपति जी थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, वो एक वेल स्टेब्लिश बैकग्राउंड से आती थी, उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनको मिला हुआ था अपने पूर्वजों से, लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो संथाल जनजाति से आती हैं, उड़ीसा में जन्मी हैं, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा जो शुरुआत में दी वो उसी मातृभाषा में दी जो उनकी अपनी एक भाषा होगी, उसके बाद सर उनको हाँ उनके पिताजी और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो जो पंचायत होती थी उन लोग उसमें एक हेड होते थे, बट उन्होंने धीरे धीरे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनी, तो सर उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत समझ गए। ठीक, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आप और डिप्टी कलेक्टर आपका पहला प्रेफरेंस भी है, ड्राइंग पेंटिंग, पेंटिंग आपका हॉबी है तो पेंटिंग बनाती भी हैं आप जी, किस तरह की पेंटिंग बनाना आपको ज़्यादा पसंद है? सर मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स ज़्यादा पसंद है और कभी कभी लैंडस्केप पेंटिंग जो होती हैं वो भी बनाती हूँ, लेकिन मेजरली मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स ज़्यादा पसंद है।
देवेंद्रनाथ टैगोर भी पेंटिंग बनाते थे जी, उनकी पेंटिंग क्या थी, उनकी पेंटिंग का कुछ विशेषता? सर चूँकि उस समय हमारे देश में स्वतंत्रता की लहर बहुत अपनी जागृत थी, तो उनकी पेंटिंग्स काफ़ी कुछ भारत माँ को एक डिवोशनल पेंटिंग्स होती थी जिनका इस्तेमाल भी किया जाता था नेशनल मूवमेंट्स में, तो उनकी डिवोशनल स्पिरिचुअल पेंटिंग्स होती थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका सब्जेक्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना लक्ष्य भी मिलेगा और आप डिप्टी कलेक्टर पद पर चुने जाएंगे। ऐसी स्थिति में शैक्षिक प्रशासन अगर आपको देखना होगा जी, तो शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों की भी आपको आवश्यकता होगी, क्या कुछ सिद्धांतों का नाम बता सकते हैं? शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत। सर ऐसे एग्जैक्टली मैं सिद्धांत तो मैंने ऐसा कभी पढ़ा नहीं, लेकिन प्रशासन के जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या शैक्षिक प्रशासन का नाम नहीं आता है? बिल्कुल आता है सर। आता है जी जी। तो उसमें शैक्षिक प्रशासन अगर मान लीजिए करना है जी जी, तो उसके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे टेलरवाद क्या है? सर टेलरवाद बेसिकली वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने बोला कि प्रशासन को कार्यकुशल होने के लिए अगर हम वैज्ञानिक तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से भर्ती प्रणाली को अपनाएंगे, वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण करेंगे तो कार्यकुशलता बढ़ेगी। टेलरवाद जाकर के तीन भागों में डिवाइड हो जाता है जी। उसमें गुलित प्रशासन क्या है? गुलित प्रशासन, सॉरी सर। अच्छा ठीक है। प्रशासनिक नीति शास्त्र क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। सर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का हम एक एग्जांपल के तौर पे हम जैसे कोड ऑफ कंडक्ट 1968 की बात कर सकते हैं, जिसमें एक प्रशासनिक व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, जैसे पारदर्शिता हो गई, राजनीतिक अनामता हो गई, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई, तो ये सर उसका हिस्सा हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का। ठीक है। इथिक्स और मोरलिटी में क्या अंतर? कोई तीन अंतर बताइए। सर जो एथिक्स होती है वो हमारे सराउंडिंग से प्रभावित नहीं होती है। तीन फैक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि तीन फैक्ट को आप डिवाइड करिए तो क्या क्या रखेंगे? सर फर्स्ट डिफरेंस ये है कि मोरालिटी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हमें अपने बुजुर्ग जो होते हैं उनका उनके उनके लिए उनकी मदद करना, उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम अगर आर्कटिक नेशंस में देखेंगे जहाँ पर इस्किमोज रहते हैं, वहाँ पे चूंकि खाद्य संसाधन की कमी है तो उनको छोड़ना पड़ जाता है। तो सर ऐसा नहीं, हमारे कहने का था कि मोरालिटी जो है सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? सर सब्जेक्टिव है। और नीति शास्त्र? ये सर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जी। मूल्य और नैतिकता, वैल्यू एंड मोरालिटी जी, ये क्या संबंध है? सर जो नैतिकता होती है उसको डिफाइन करने के लिए मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। मूल नैतिकता का एसेंस है। मूल्य हमें ये बताते हैं क्या सही है क्या सही नहीं है, और उसके ही आधार पर सर हम नैतिकता को परिभाषित करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि नैतिकता सद्गुण है, वर्च्यू है? जी सर। जी, नैतिकता को हम वर्च्यू के रूप में डिफाइन करेंगे? जी सर। मोरालिटी को हम वर्च्यू के रूप में डिफाइन कर सकते हैं? सर नैतिकता या मोरालिटी, एक होता है मोरालिटी एक होता है वर्च्यू, तो क्या हम मोरालिटी को वर्च्यू के रूप में डिफाइन करें? सर आप एक बार इसका हिंदी का मतलब बता देंगे आप मोरालिटी से क्या कहना? नैतिकता एक हो गया मोरालिटी जी, वर्च्यू हो गया सद्गुण जी, ठीक है। तो मोरालिटी को हम यानी नैतिकता को सद्गुण के साथ जी जी कैसे संबंध करेंगे, या एक ही है दोनों या अलग अलग है? सर जैसे कि सुकरात ने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि नैतिक नॉलेज इज वर्च्यू, तो सर नैतिकता में चूंकि नॉलेज की बहुत आवश्यकता होती है, तो मुझे लगता है कि अगर जो नैतिकता है
वो हमें वैल्यूज़ और जो हमने सीखा होता है, जो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, तो अगर उनका पालन किया जाता है तो सर वो नैतिकता है और उसको सर बिल्कुल सद्गुण के साथ जोड़ा जाता है। भारतीय संविधान में अगर हम नैतिक आदर्शों को खोजेंगे तो कहाँ मिलेगा हमें? सर सबसे प्रथम दृष्टया प्रस्तावना में मिलेगा, जहाँ पर संविधान के उद्देश्य बताए गए हैं। फिर सर आर्टिकल 36 के अंतर्गत DPSP में मिलेगा, जहाँ पर राज्यों को सोशल वेलफेयर की बात के निर्देश दिए गए हैं। और सर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मिलेगा, जहाँ पर सिटीजन्स को अपनी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं, जिसके थ्रू वो एक समाज में प्रोग्रेसिव रहें और भाईचारे को प्रमोट करें। और फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत भी निर्धरता को नैतिकता को बताया गया है। सर अधिकार और कर्तव्य में क्या अंतर है? सर जो अधिकार हैं वो इन्फोर्सेबल हैं, जो कर्तव्य हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं हैं। मीन्स अगर अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सिटीजन जा सकता है और अपने किसी भी अधिकार का हनन होगा तो आप पहुंच जाएंगे? सर जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत फंडामेंटल का होगा जी, और भी इसके अलावा भी अधिकार होते हैं जो फंडामेंटल में डिनोट नहीं है जी, क्या उसका भी हो जाएगा? सर वो ऐसे एकदम इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन हाँ हमारे अधिकारों का हनन किया गया है तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। एक स्त्री है जो बच्चा पैदा करती है जी, लेकिन वो विदेश चली जाती है और उस बच्चे का भरण पोषण एक दूसरी स्त्री के द्वारा किया जाता है। कुछ दिन बाद वो दूसरी पहली वाली स्त्री आती है, कहती है मेरा बेटा है मैं लूँगी, तो क्या उसे प्राप्त होगा? सर उन्होंने बर्थ भी दिया है बेबी को, जन्म देने के बाद पोषण नहीं किया, वो विदेश चली गई जी। अब उस बच्चे को भरण पोषण तो किसी को करना था तो दूसरी महिला ने किया, अब वो पहली वाली महिला आती है कुछ दिन के बाद तो फिर कहती है कि ये मेरा बच्चा है मुझे चाहिए, तो क्या दूसरी पहली वाली महिला को बच्चा मिल जाना चाहिए? सर चूँकि बच्चे की जिन्होंने बर्थ की दिया है वो मदर और जिन्होंने पालन पोषण किया है वो मदर, दोनों ही स्टेक होल्डर्स हैं, दोनों ही दावेदार हैं। चूँकि पहली वाली किस रीज़न से गई थी ये पता होना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसे रीज़न से गई हो कि उनके पास ऑप्शन ही ना हो कोई सेकंड रखने का, या हो सकता जन्म देने के बाद जी बिल्कुल ही अभी पैदा हुआ है जी जी, उसको छोड़ के फिर वो चली जा रहे हैं और फिर आके कहती है नहीं हमें बच्चा चाहिए, तो कैसे होगा? दे दिया जाना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप यस और नो में कर रहे हैं। सर ये बहुत सब्जेक्टिव है क्योंकि उनके रीजंस के बिना मैं कैसे बताऊं, लेकिन अगर उनका एक नॉर्मल रीज़न है, रीज़न हमने बताया आपको कि बच्चा पैदा हुआ, उनको कोई ज़रूरी काम था चली गई और जा कर के वहाँ अपने काम में मस्त हो गई, बहुत दिन हो गया, अब वो बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है, बच्चे को कोई दूसरी महिला पाल रही है जी। ठीक है, अब दूसरी महिला कह रही बच्चा मेरा है, पहली वाली महिला कह रही नहीं बच्चा मेरा है, ऐसी स्थिति में किसे दिया जाए? सर आप अगर मान लीजिए आपको आपके सामने एक केस आ जाएगी तो आप किसका पक्ष लें? सर मुझे ऐसा लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि उनको वो एक नॉर्मल से रीज़न के लिए गई होंगी, तो इस केस में सर मुझे लगता है जिन्होंने पालन पोषण किया है वो ज़्यादा हकदार होती हैं। हाँ अगर मदर जिन्होंने बर्थ दिया है अगर वो चाहती है बच्चा ले जाना तो उन्हें परसुएट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, अगर वो इच्छुक हैं। कोई बात नहीं किया ना, काफ़ी दिन बाद बहुत दिन बाद लौट के आती हैं कहती हैं मुझे बच्चा चाहिए, तो सर मुझे लगता है कि जिन्होंने पालन पोषण किया है उनके पास रहना चाहिए, उनके पास जी। तो यहाँ अधिकार और कर्तव्य की बात आ रही है जी, तो इसका मतलब कर्तव्य महत्वपूर्ण है कि अधिकार? सर चूंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत का नहीं है तो इस केस में सर प्रॉपर सुनवाई होगी वही कि उनके क्या रीजंस थे, क्योंकि हो सकता है किसी की जान का खतरा हो इसलिए भी वो गई हो विदेश, तो एक ह्यूमैनिटी की भी बात आ जाती है, तो मुझे लगता है कि सर ये दोनों पक्षों को बहुत ध्यान से सुना जाए उसके बाद ही डिसीजन दिया जाए। पौराणिक कथाओं में ये इस तरह का प्रकरण आया है जी, कहाँ पर आया है? सर श्री कृष्ण भगवान को जन्म जो है
एक माँ ने दिया था और उनका पालन पोषण यशोदा माँ ने किया जी, किसी और ने यशोदा जी ने जी, किया जी था। तो अंततः कृष्ण हुए किसके? सर वो यशोदा माँ के साथ ही रहे, लेकिन लेकिन उन्होंने बाहर चले गए तो अपना मथुरा नगरी में चले गए, फिर उनके साथ हो गए जी। अगर मान लीजिए कि दो व्यक्ति गंगा स्नान करने जाते हैं, उनके साथ एक लोग और रहते हैं, एक बेटा है और उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी माँ स्नान करने जाती है और एक तेज़ी से लहर आती है जी, और ऐसी स्थिति में वह किसी एक को ही बचा सकता है, तो किसे बचाएगा? सर चूँकि माँ और पत्नी एक बेटर हाफ और एक जिन्होंने जन्म दिया जिनकी वजह से उसका अस्तित्व है, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको किसको बचाना चाहिए या किसको बचाएगा? ऑल ऑफ सडन ये घटना हो रही है, ऑल ऑफ सडन वो किसको बचाएगा? सर किसी ना किसी एक के साथ तो कुछ ऐसा होगा कि उसे बचाना ज़्यादा पॉसिबल होगा। वहाँ सोचने समझने के लिए हमें टाइम कहाँ है? एक लहर आती है एकाएक और लगता है कि दोनों डूब रही हैं, अब कौन किसको बचाएगा, उसका इंटेंशन कहाँ होगा? आप किसी तहसील में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हैं जी, और वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम में काफ़ी विवाद हो जाता है और वहाँ पे ऐसी संभावना है कि लोग लाठी डंडा लेकर के एक दूसरे को मार रहे हैं, वहाँ पर आप उसको कंट्रोल करने के लिए संचार के सबसे बेहतरीन साधन का प्रयोग करना चाहते हैं, क्या करेंगे? सर चूंकि ये दंगा हो चुका है और मुझे अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है और कंडीशन इस लेवल में है कि क्लैशेस हो रहे हैं, जान मान को हानि हो रही है, तो सर मैं उस सिचुएशन को देखते हुए पुलिस फोर्स का यूज़ करके मैं हो सकता है जान मान की हानि को ध्यान में रखते हुए कम से कम हो मैं लाठी चार्ज के लिए बोल सकती हूँ या वाटर कैनन्स और जो पेपर स्प्रे होता है इसका यूज़ कर सकती हूँ, और सर जो अनाउंसमेंट्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू मैं न्यूज़ और मैसेजेस दे सकती हूँ कि यहाँ पे जो भी प्लेसेस हैं इसे एक पब्लिक प्लेसेस हैं इसको खाली करना चाहिए, और फिर भी अगर सर क्लेसेस बहुत ही इसमें है कि लोगों की बहुत ही ख़तरा है उनकी जान को, तो सर बहुत सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हवाई फायरिंग वगैरह का यूज़ किया जा सकता है। ठीक, थैंक यू। कैसे हैं प्रज्ञा? मैं सही हूँ सर। अभी हाल में ना E20 फ्यूल के बारे में जी काफ़ी चर्चा हुई है, क्या है E20 फ्यूल? सर मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैंने सुना है सर शायद ये एथेनॉल को मिक्स करने के लिए है जिसमें जो पेट्रोल है उसमें 20% एथेनॉल मिक्स करना है बाय 2030। बिल्कुल सही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर चूंकि जो पेट्रोल और डीजल है ये पारंपरिक स्रोत हैं, इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसके जो है इसको हमारे पास इसका रिजर्व बहुत कम है, और सेकंड चीज़ सर क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू आता है क्योंकि ये सारे व्हीकल से जो निकलने वाला धुआं होता है वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट इम्पैक्ट करता है, और अगर एथेनॉल को मिक्स करेंगे तो एक ऐसे सिस्टम का यूज़ कर सकेंगे जिसमें कम से कम पोल्यूशन हो सके और अपने पारंपरिक स्रोतों का एक संधारणीय तरीके से प्रयोग किया जा सके, अंधाधुंध प्रयोग ना हो। बहुत अच्छी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम नॉर्मल पेट्रोल का यूज़ करते हैं तो उसमें से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस और गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इम्पैक्ट करता है। आपको क्या लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का आपके जीवन में जी कितना बड़ा रोल है? सर ग्लोबल वार्मिंग हर इंडिविजुअल के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, एक आज भी देखिए ग्लोबल वार्मिंग के चलते नॉर्थ इंडिया में ड्रॉट जैसी कंडीशन आई जिसकी वजह से चावल ये जो सीज़न है चावल बोया जाता है, धान वगैरह नहीं बो पाए, तो एक फूड सिक्योरिटी वाटर सिक्योरिटी का इशू बन जाता है, और ये सब आगे जाके सर बहुत बड़ी परेशानी बन सकते हैं मानवता के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है जो आइलैंड जैसे देश हैं फिजी वगैरह उनके डूबने के चांसेस बढ़ रहे हैं,
तो सर माइग्रेशन बढ़ सकता है, लोग आपस में नरसंहार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो खाने के या रहने के जगह नहीं हो पाएगी। तो सर ये मानवता के खिलाफ ही चैलेंज है। लेकिन मेरा सवाल था कि आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है? सर मैं भी इसी बैकग्राउंड से आती हूँ, फूड सिक्योरिटी का इशू पूरे सभी को है तो मुझे भी होगा, और चूंकि मैं पर्सनली भी एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मेरे पेरेंट्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं या उनके सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर एक अहम रोल प्ले करता है। सेकंड सर पोल्यूशन से जो हेल्थ इश्यूज हैं बहुत बढ़ते हैं, अभी कोरोना कोविड जैसे प्रॉब्लम्स आई तो अगर ये ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी तो मैं कहीं भी काम करूं चाहे मैं किसी सिटी में या गांव में हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है सर। तो मुझे लगता है कि मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं जी और आपके ज़िले में प्रधानमंत्री का दौरा है, वहीं आपको पता चलता है कि आपके ज़िले में हिंसा हो गई कहीं और 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, और उसी दिन आपका बच्चा बीमार हो गया है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है और आपके पास कोई और नहीं है, आप 3ों में से किसको वरीयता देंगे? सर चूंकि एक डिप्टी कलेक्टर इंडिविजुअल काम नहीं करते, वो टीम के साथ काम करते हैं, एक टीम होती है, 3ों ही मुद्दे अपने आप में बहुत अहम हैं। जो चीफ मिनिस्टर का दौरा है वो एक ज़िले में या तहसील में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का इशू बहुत इंटरनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। और चूंकि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है और उसको समय पर अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी मेरी एक व्यक्तिगत हित का इशू बन जाता है। और थर्ड एक सामाजिक इशू है जिसमें एक क्लैशेज हो चुके हैं, तो सर मैं 3ों में एक ऐसा बैलेंस बनाऊंगी, जैसे मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स की मदद लेकर मैं अपने बच्चे के लिए सारे नहीं, मैंने आपसे कह दिया कि आपके बच्चे के पास आपके अलावा कोई और है ही नहीं जी, तो फैमिली मेंबर्स तो मतलब की बनते ना। चूंकि मैं डिप्टी कलेक्टर होगी सर तो मेरे पास कुछ सबॉर्डिनेट्स होंगे, मेरे हेल्पर्स होंगे, मैं सारे अरेंजमेंट्स जैसे हॉस्पिटल्स या वहाँ के CMO डायरेक्ट मैं उनसे बात कर सकती हूँ, और मैं अपने बच्चों को वहाँ किसी की मदद से वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और जहाँ पर क्लैशेज हुए हैं, चूंकि वहाँ पे सर एक ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, ज़्यादा लोग आगे जाकर प्रभावित हो सकते हैं, तो मैं पर्सनली लेवल पे उसको भी मॉनिटर करूँगी। और जहाँ पे CM का दौरा है वहाँ मैं अपने जैसे सिटी मजिस्ट्रेट होंगे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे या मेरे सबॉर्डिनेट होंगे उनकी मदद से वहाँ पे भी अरेंजमेंट करवाऊँगी। बहुत अच्छे, आखिरी सवाल है मेरा, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन हूँ सर। प्रज्ञा, जैसे आप मान लीजिए कि आपकी ड्यूटी के बाद आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जाती हैं और जहाँ पे आप हो वहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और आप अपनी परिवार के साथ वहाँ पे चले गए क्योंकि आपने सुना कि यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है और संडे का टाइम है, बहुत भीड़ है, बट लेकिन आपको जगह मिल गई और आपने जो है खाना बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया आपके पूरे परिवार ने, लेकिन फिर पता चलता है आपको कि जो आपको खाना सर्व किया गया था, क्योंकि आप पूरी तरीके से वेजिटेरियन हैं, आपको पता चलता है कि आप लोगों को नॉनवेज परोस दिया गया है और आप सभी लोगों ने बहुत चाव से खाया है उसे, ये आपके परिवार को नहीं पता लेकिन आपको ये बात पता चल गई, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सर इसके पीछे मैं इंटेंशन देखूंगी कि जो उस होटल का मैनेजमेंट है, ऐसा कैसे हुआ कि वो मेरी थाली में नॉनवेज आया, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़े पारंपरिक मूल्यों से बंधे हुए हैं, उनके लिए ये थोड़ी बर्दाश्त करने के बाहर की बात होगी। तो अगर वो मैनेजमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है तो सर ह्यूमन एक में भी कभी ना कभी कोई मिस्टेक हो सकती है, तो मैं उसको सर ओवरलुक करने की कोशिश करूंगी या सोचूंगी कि अब चूँकि हमने खा लिया है और इसमें किसी की गलती इन्वॉल्व नहीं थी, बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो सर मैं माफ़ कर दूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।